ये स्टेज मेंस के केस में ग्रीन कलर का होता है, जब कच्चा रहता है तब जब पक जाता है कॉक यदि टूटा देखते हैं ये ब्राउन कलर का हो जाता है। बनाना के केस में ये स्पेज जो ऊपर से कवर करता है वो रेड कलर का होता है, इसमें रेड स्पेज होता है और वो लेदरी होता है, लेदर के जैसा कड़ा होता है। ये था मेन एक्सिस इलांगेटेड में, यानी रेसिमोज में जो मेन एक्सिस जिसका लंबा होगा उस पर आपने ऐसा देखा। देखिए पैडी में या व्हीट में जो सीरियल है पैडी या व्हीट, इसमें रैचिस स्मॉल होता है, स्मॉल रैचिस होता है यहाँ, और इस रैचिस को यहाँ पर रैकिला कहा जाता है। आपको याद होगा कि व्हीट में ऐसे ऐसे जो ये लगा रहता है व्हीट, याद कीजिए। तो एक्सिस बड़ा नहीं होता, एक्सिस क्या होता है बहुत छोटा होता है, और उस छोटे एक्सिस को जिस पर फ्लावर लगा रहता है उसको हम लोग रैचिस बोलते हैं। रैचिस यहां पर छोटा होता है इसलिए हम इसको कहेंगे रैचिला। याद रखना ये छोटा, ये जो सेंट्रल पार्ट है एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस, ये रैचिला है तो छोटा होता है। मेन एक्सिस शॉर्टेंड में, मेन एक्सिस शॉर्टेंड में दो होंगे, पहला होगा कोरिम। कोरिम के एग्जांपल होंगे कैंडिटफ को कहते हैं आगरी जवा, और दूसरा इसके एग्जांपल होंगे कॉलीफ्लावर, जिसको आप फूलगोभी कहते हैं। और इस कॉलीफ्लावर का आप क्या खाते हैं तो आंसर होता है यंग इन्फ्लोरेसेंस। दिलिया क्वेश्चन यंग इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर एक साथ होते हैं इसलिए इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। सो यंग इन्फ्लोरेसेंस ही एडेबल, यहां आप क्या खाते हैं तो आंसर क्या होगा, यंग इन्फ्लोरेसेंस खाते हैं कॉलीफ्लावर में। रिव्यू क्वेश्चन होता है। अगर डायग्राम देख लिया, जब हम कॉलीफ्लावर की बात कर रहे हैं इसमें एक्सिस लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्या होगा शॉर्ट होगा, ऊपर वाला फूल जो होगा उसका स्टॉक छोटा होगा, नीचे वाले फूल जो होंगे उसका स्टॉक थोड़ा बड़ा होगा, और ऑलमोस्ट लगेगा देखने में कि लगभग सब फ्लावर जो है वो एक लेवल में आ गया है, और ये ब्रैक नजर आएगा नीचे से, ये ब्रैक है लगा हुआ। तो आप क्या कहेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर्स, पेडिसिलेट फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन शॉर्ट एक्सिस पर क्या रहता है, अरेंज रहता है। ऑल फ्लावर्स आर अराइजेस, निकल रहा है सब अलग अलग पॉइंट से, अराइजेस फ्रॉम different points but lie in the same level, ऐसे भी बोल सकते हैं lie in the same level, सबका level क्या हो जाता है एक हो जाता है, तब नाम होता है कोरिम। इसका दूसरा पार्ट आएगा अम्बेल, अम्बेल के लिए एग्जाम्पल आएगा कोरिएंडर। धनिया जिसको कहते हैं क्यूमिन, जीरा हो गया, और फनेल सौंफ, धनिया का सौंफ, इसको आप देखिएगा इसका एक्सिस और पहले से कोरिम से भी छोटा हो जाता है, और इसमें सारे फ्लावर एक ही पॉइंट से निकले रहते हैं, सेम पॉइंट से सारे फ्लावर्स निकले रहते हैं, और देखने में ये अम्ब्रेला के जैसा होता है, इसलिए नाम क्या है अम्बेल। सो अम्बेल इज अम्ब्रेला लाइक अरेंजमेंट, अम्ब्रेला लाइक, सारे फ्लावर पेडिसिलेट हैं,
umbrella like arrangement of distinct flowers. Arrangement of distinct flowers. All flowers having common origin. सबका एक ही जगह ओरिजिन है इसलिए कहेंगे कॉमन ओरिजिन. एंड प्रेजेंट एट द सेम लेवल. और सबका लेवल भी क्या है, एक है. सेम लेवल पर सब है, सब सारे फ्लावर है. ये नीचे से ये जो लगा हुआ है ये वृक्ष है. तब नाम हो जाएगा अम्बेल. अब हम लोग मेन एक्सिस सॉर्टेड एंड फ्लैटेड की बात करें. मेन एक्सिस सॉर्टेड एंड फ्लैटेड में इसके लिए एक नाम आएगा हेड और कैपिचुलम. हेड या कैपिचुलम कहेंगे. इसमें हेड के लिए एग्जांपल आ जाएगा सनफ्लावर हेलियंथस. ये सनफ्लावर हेलियंथस इसका एग्जांपल हो गया. और कैपिचुलम के लिए आप एग्जांपल लेंगे मैरीगोल्ड क्राइसेंथेमम. ये सब नाम आएगा. तो फ्लावर अगर सारे एक जैसे होंगे तो कहेंगे होमोमॉर्फिक, और अलग अलग प्रकार के होंगे तो कहेंगे हेटरोमॉर्फिक. यहां पर हम सनफ्लावर को जरा देख लें. आपको बताए थे कि सनफ्लावर में जो रिसेप्टिकल है यानी थैलेमस जो है, देखिए जब पेडेंकल फ्लैटेंड हो जाता है, ये पेडेंकल जो है यहां पर क्या हो गया है, फ्लैटेंड हो गया है, छपका फ्लैटेंड पेडेंकल. Latent peduncle, जिसको आप रिसेप्टिकल कहेंगे आप, या आप थैलेमस कहेंगे. क्या नाम देंगे, थैलेमस. ऐसा बोल सकते हैं. अब इस पर किनारे किनारे जो येलो कलर का लगा रहता है वो सब रे फ्लोरिड है. ये है रे फ्लोरिड. आपको याद होगा रे फ्लोरिड येलो कलर का होता है, नीचे से इन्वॉल्वर निकला रहता है और इन्वॉल्वर को डिफाइंड ब्रैक्ट होता है. इन्वॉल्वर क्या है तो क्या आंसर होगा, मॉडिफाइड ब्रैक्ट. ये सब आप पढ़ चुके हैं, मॉडिफाइड ब्रैक्ट और रे फ्लोरिड. और सेंटर पर जो फ्लावर होंगे वो डिस्प्लोरेट होता है. देखिए तो ये डिस्प्लोरेट है, सेंटर पर जो लगा हुआ है वो क्या है, डिस्प्लोरेट. तो ये डिस्प्लोरेट हो गया. डिस्प्लोरेट बाइसेक्सुअल होता है. बाइसेक्सुअल का मतलब सिंबल आप देख रहे होंगे, मेल फीमेल दोनों फ्लावर होंगे. रे फ्लोरिड डिस्टिलेट फ्लावर है, क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर नहीं होता. दो अलग अलग प्रकार का फ्लावर है इसलिए हम इसको हेटरोमॉर्फिक कहेंगे. तो सनफ्लावर हेड और कैपिचुलम इसलिए बोलेंगे क्योंकि सनफ्लावर सन के डायरेक्शन में मूव करता है ड्यू टू ज़िब्रालिन हार्मोन. किस हार्मोन के कारण, ज़िब्रालिन नाम के हार्मोन के कारण सन के डायरेक्शन में सनफ्लावर मूव करता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है हेड. जबकि मैरीगोल्ड गेंदा में फ्लावर कभी भी सन के डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, इसलिए उसको हेड ना का करके क्या कहेंगे, कैपिचुलम. अब हम लोग साइमोन इन्फ्लोरेसेंस में आ जाएंगे. लिखेंगे साइमोन. साइमोन में नाम आएगा यूनिपेरस साइम. यूनिपेरस साइम क्या बोलो, केसियल साइम.
डाइकेशियल साइन या बाइपेरस साइन, बाइपेरस साइन और डाइकेशियल साइन। साइन मीन्स साइमोड, साइन वर्ड किसके लिए लिखा जा रहा है, साइमोड के लिए साइन वर्ड लिखा जा रहा है। थर्ड तीसरा मल्टीपेरस साइन, मल्टीपेरस साइन या पॉलीकेशियल साइन। इसमें क्या होगा, एक बार में सिर्फ एक ही ब्रांच निकलेंगे तो क्या कहेंगे, यूनिपेरस साइन। लेकिन अगर एक बार में दो ब्रांच अगर ग्रो करता हो तो नाम हो जाएगा बाइपेरस साइन। सिंगल ब्रांच और फ्लावर अराइजेस एट अ टाइम, अराइजेस एट अ टाइम, एक समय में सिर्फ एक। ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिए, अगर एक ही तरफ अगर लगातार निकलता रहा ब्रांच या फ्लावर तो आप उसको कहेंगे हेलिकॉइड, हाथी के सुर जैसा हो जाएगा तो नाम क्या होगा, हेलिकॉइड। तो नाम हेलिकॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रांच अल्टरनेट अगर निकल रहा है, एक बार ऐसे निकला है, एक बार ऊपर की तरफ, फिर एक बार नीचे की तरफ, फिर एक बार ऊपर की तरफ, ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्कॉर्पियोइड, स्कॉर्पियोइड। इसमें क्या होगा, वन साइडेड ब्रांचिंग, वन साइडेड ब्रांचिंग। अगर हम देखें तो अगर एक ही तरफ अगर ब्रांच निकल रहा हो ऐसे तो ये फ्लैग लाइक झंडा के जैसा नजर आएगा। और स्पॉट वाइड में क्या होगा कि अगर आप देखिएगा तो 3D पिक्चर तो हम लोग देख रहे हैं ना बोर्ड पर, ये अल्टरनेट साइड होगा, अल्टरनेट साइड ब्रांचिंग। और अल्टरनेट साइड ब्रांचिंग होगा अगर इसमें दोनों तरफ नजर आएगा, दोनों तरफ। ये हो गया स्कॉर्पियोइड, यानी हेलिकॉइड है स्कॉर्पियोइड। डाइकेशियल साइन में देखिए, एक बार में देखिए मेन पीक पर फ्लावर होना चाहिए, तो क्या ध्यान रहे कि आप क्या कर रहे हैं, साइमोन। तो साइमोन में मेन एक्सिस का कभी ग्रोथ नहीं होगा। अब देखिए यहां पीक पर फ्लावर है और एक बार में दो दो ब्रांच अगर आ गए हैं, और ये ख्याल रखना है इसमें शेप हमेशा क्या आएगा, डोम शेप। ऊपर वाला ब्रांच हमेशा बड़ा नीचे में दिखलाएंगे तो छोटा दिखलाएंगे, ये हमेशा ख्याल रखना है कि शेप क्या आना चाहिए, डोम शेप। तो अभी तो हम डाइकेशियल की बात कर रहे हैं, डाइकेशियल में एक बार में कितने ब्रांच आएंगे, दो ब्रांच या दो फ्लावर आएगा, टू ब्रांचेस एट ए टाइम। एक समय में जब दो ब्रांच आ जाएगा तो कहेंगे इसके लिए एग्जाम्पल आ जाएगा जस्मीन। और एक बार में जब बहुत सारे ब्रांचेज आ जाएंगे तब आप इसको कहेंगे मेनी ब्रांचेज एट ए टाइम, मेनी ब्रांचेज एट ए टाइम। एक समय में जब बहुत सारा ब्रांच आ जाएगा, एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस, तो कैलोट्रॉपिस में ऐसा देखने को मिलेगा, मल्टीपेरस साइन मिलेगा देखने को। अगर हम हेलिकॉइड स्कॉर्पियोइड को अगर देखें, देखिए हेलिकॉइड, इसमें एक नाम आएगा ड्रिपैनियम, एक नाम आएगा बॉस्ट्रेक्स। ड्रिपैनियम हेलिकॉइड का एग्जांपल क्या होगा, हेलियोट्रॉपियम, हेलियोट्रॉपियम बॉस्ट्रेक्स। फ्लावर इन
वन प्लेन, एक ही प्लेन में सारा फ्लावर होगा तो क्या नाम होगा? रिटानियम। फ्लावर सेम वन प्लेन, फ्लावर सेम वन प्लेन, एक प्लेन में होगा तो नाम क्या होगा? रिटानियम। फ्लावर सेम डिफरेंट प्लेन, अलग अलग प्लेन में होगा तो आप नाम देंगे इसका बॉस्ट्रेक्स। स्पॉट वाइड में भी, स्पॉट वाइड का एग्जांपल हो जाएगा ब्रिंजल टोमेटो, ब्रिंजल हो टोमेटो होगा। ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, इसके लिए एग्जाम्पल। स्पॉट वाइड में भी दो नाम हम लोग देंगे, रेपिडियम, रेपिडियम और दूसरा नाम देंगे सिंसिनम। ये इसमें भी फ्लावर इन वन प्लेन होगा, फ्लावर्स इन वन प्लेन, एंड इसमें भी होगा फ्लावर्स इन डिफरेंट प्लेन। फ्लावर्स इन डिफरेंट प्लेन, ये यहां पर है साइमोन इन्फ्लोरेसेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा। कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा? कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में पेडेंटलीज ब्रांच, शुरू में लिखे थे आप लोग पेडेंटलीज ब्रांच, जब पेडेंटल क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा, तब हम लोग ऐसा नाम देंगे। चलिए देखते हैं पेडेंटलीज ब्रांच में क्या होगा। पहला है कंपाउंड रेसिन, इसके लिए एग्जांपल होगा केसिया, जिसको हम लोग कहते हैं अमलतास, और ये होगा गुलमोहर। अमलतास, दूसरा क्या होगा? गुलमोहर। कंपाउंड रेसिन इसमें क्या होगा? जो मेन एक्सिस पर फ्लावर नहीं लगाना है और साइड से जो आप देख रहे हैं इसमें से ब्रांच कर देना है। ब्रांच का मतलब आप समझ जाएंगे, जो पेडेंकल है वो पेडेंकल क्या हो गया है? ब्रांच हो गया है। अब इस पर फ्लावर लगे रहेंगे, आप समझ सकते हैं नाम हो जाएगा कंपाउंड। क्या नाम होगा? कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। कंपाउंड स्पाइक, कंपाउंड स्पाइक कहां होगा? एकाइडेंथस में, इसके लिए एग्जांपल होगा एकाइडेंथस, चिड़चिड़ी बोलते हैं इसको एकाइडेंथस। कंपाउंड स्पाइकलेट और स्पाइडिक्स, चलिए स्पाइडिक्स देखते हैं। कंपाउंड स्पाइडिक्स कहां होगा? कोकोनट में। कंपाउंड कोडिन, कंपाउंड कोडियम कहां होगा? कोरिएंडर में, सॉरी ये कहां होगा? आइवरीज अमारा कैंडिडा। कंपाउंड अम्बिल, ये होगा कोरिएंडर में। एंड कंपाउंड हेड और कैपिचुलम, हेड या कैपिचुलम, काइनॉप्स में। अब स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस से हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग
स्पेशल टाइप इन्फ्लुएंस। देखिए हम एक चीज लिख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी आज में लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लिख देंगे आपको। ऐसे भी इंफॉर्मेशन हम सबको दे ही रहे हैं, सबको दे रहे हैं हम लोग आपका आईडी और पासवर्ड। तो आईडी पासवर्ड हम आपको नेक्स्ट क्लास में लिख देंगे यहाँ पर, और उस हिसाब से आप लोग को 28 तारीख से क्लास करना है, 12 बजे से याद रखना है अपने आईडी और पासवर्ड के द्वारा।